Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine and safe at your home. Good. Today we will discuss about measurement of length. हमारा कौन सा चैप्टर है? किस चैप्टर पे आज हम डिस्कस कर रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ लेंथ. आई होप सबको टेबल लर्न हो गई होगी. हो गई? चलो मैं गूगल मीट पर सुनूंगी. ठीक है बेटा? अब हम क्या करेंगे? आज हमारा चैप्टर 12 में एक्सरसाइजेस कौन सी है बेटा? 44. एक्सरसाइजेस कौन सी है? 44. चैप्टर 12 है, एक्सरसाइज 44. ओके. अब आप ये कहोगे मैडम आपने टेबल तो लर्न करा दी बट उसका यूज क्या है? अब उसका यूज करना बताओ. ओके. मैंने क्या करवाई थी टेबल? क्या राइट करवाया था? आप बोलो. जिसको हिंदी में लर्न है वो हिंदी में बोलेगा और जिसको इंग्लिश में लर्न है वो इंग्लिश में बोलेगा. सबसे पहले किंग. किंग का क्या आ गया? हैरी. हैरी का एच आ गया. किंग हैरी डैड. डैड का क्या आ गया? डी ए. मदर. एम डिडंट. डी क्राई. सी मच. ओके. किंग हैरी डैड मदर. सॉरी. किंग हैरी डैड मदर डिडंट क्राई मच. ओके. अब ये हम अब हिंदी में भी कर सकते हैं. काला हीरा देखा मैंने डायमंड कटर मंगाया. सबका पहला पहला लेटर लिख दिया. ओके. अब हम क्या करेंगे? मेजरमेंट ऑफ लेंथ है तो लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या बताई थी? मीटर. हम इसके आगे क्या लगा देंगे? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर. ये ऑलरेडी मीटर है. डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. टेबल हो गई हमारी. अब इसका यूज कैसे करना है आप वो देखो बेटा. अगर हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो गाड़ी हमारी कहाँ आ रही है? नीचे. किलोमीटर को चेंज करना है ना और गाड़ी हमारी कहाँ आ गई? नीचे. जब ऊपर से नीचे गाड़ी आती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई. किससे मल्टीप्लाई करते हैं? कितने स्टेप गाड़ी नीचे आई है? किलोमीटर मीटर में चेंज किया है तो कितने स्टेप नीचे? 1 2 3. 3 स्टेप नीचे आई है यानी 30 से मल्टीप्लाई. 30 मीनिंग 1000 से मल्टीप्लाई करना. ओके. अब मान लो हमें मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो मीटर है तो बेटा ये मीटर हो गया और मीटर से कहां पर आए हम? सेंटीमीटर में. गाड़ी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है? नीचे आ रही है ना. तो जब गाड़ी हमारी नीचे आती है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. किससे करेंगे? कितने स्टेप नीचे आई है ये गाड़ी? 1 2. ये हमारा सेंटीमीटर है. 2 स्टेप नीचे आई है ना तो हम किसे? 20 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. जब हमारी गाड़ी नीचे आती है तो हम उस जितने भी स्टेप नीचे आती है उतनी ही जीरो से हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. ओके. ऐसा नहीं है 0 से 2 स्टेप आ रही तो 2 से मल्टीप्लाई. उसे 100 10 100 1000 10000. समझ में आया ना? अब मान लो हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है. सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है. अब गाड़ी कहां जा रही है? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं. गाड़ी ऊपर जा रही है. अब हमारी ऊपर गई ना गाड़ी तो हम क्या करेंगे? डिवाइड. क्या करेंगे? डिवाइड. किससे करेंगे? जितने स्टेप गाड़ी ऊपर गई है. 1 2. 2 स्टेप गाड़ी ऊपर चली गई है तो 20 यानी 100. तो हम किससे करेंगे? डिवाइड बाय 100. किससे करेंगे? डिवाइड बाय 100. अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो गाड़ी 2 स्टेप ऊपर आएगा बेटा तो हमें 100 से डिवाइड करना है. अब मान लो हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है या फिर हेक्टोमीटर में चेंज करना है. गाड़ी कहां जा रही है? मीटर से ऊपर तो डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे हम? डिवाइड. कितने स्टेप गाड़ी ऊपर गई? 1 2 3. 30 यानी 1000 से डिवाइड करेंगे. ओके. जितने स्टेप भी गाड़ी ऊपर जाती है अगर हमारी गाड़ी ऊपर जा रही है तो डिवाइड होगा और अगर हमारी गाड़ी नीचे आ रही है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. क्लियर हो गया? ओके. अब हम अपनी एक्सरसाइजेस करें. चलो देखो इसे रब करती हूँ. लेकिन आप जब अपनी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो हर पेज पर एक टेबल राइट होगी. कैसे? देखो काला हीरा सॉरी काला हीरा
देखा मैंने डायमंड कटर मंगाया। ओके, किंग हैरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच। ओके, अब हमारी एक्सरसाइज 64 में क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। ओके, हमें मीटर में चेंज करना है, कन्वर्ट मीनिंग चेंज करना है। कोई भी डिजिट दे दी गई जैसे 18 किलोमीटर, ठीक है, 18 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, आप देखो किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। किसको चेंज करना है, किलोमीटर को, कहां है किलोमीटर, ये रहा, किलोमीटर को चेंज करना है किस में चेंज करना है, मीटर में। मीटर कहां है इसमें, m4 मीटर, ये हमारी मीटर। गाड़ी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, वेरी गुड, गाड़ी नीचे आ रही है, किलोमीटर से मीटर की तरफ नीचे आई ना, कितने स्टेप नीचे, अब बताओ गाड़ी नीचे आ रही है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई, क्या आएगा मल्टीप्लाई, कितनी स्टेप नीचे आई हो गाड़ी, 1 2 3, 3 स्टेप नीचे आई है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, क्लियर। अब हम क्या लिख सकते हैं, 18 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 18 किलोमीटर मल्टीप्लाई 1000, मल्टीप्लाई 1000, ओके, 18 वनजा 18, 18 जीरोजा 0, 18 जीरोजा 0, 18 जीरोजा 0, 18,000 मीटर, ओके। जैसे हमारा क्वेश्चन है 208 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर से गाड़ी मीटर पे आ रही है, कितने स्टेप नीचे उतर रखी है, 1 2 3, 3 स्टेप, तो 30 यानी 1000 से क्या कर देंगे, गाड़ी नीचे आ रही है, मल्टीप्लाई, तो वही हो जाएगा 208 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000, 208 वनजा 208, 208 जीरोजा 0, 208 जीरोजा 0, 208 जीरोजा 0 मीटर, ओके, 208 वनजा 208 और फिर 30 लगा दी, तो ये क्या हो गया 208,000 मीटर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कन्वर्ट इनटू डीएम, डीएम का मतलब क्या है, डेसीमीटर, डीएम मीनिंग डेसीमीटर, और यहां दिया क्या हुआ है, मान लो 8 मीटर, क्या दिया हुआ है, 8 मीटर, मीटर को किसमें चेंज करना है, डेसीमीटर में, ओके, वही टेबल हमारी यूज होगी, ओके, हम इस टेबल को यूज करेंगे, आप अपनी दूसरी टेबल राइट कर लेना, एक पेज पे चाहे क्वेश्चन अगर 3 सॉल्व किए हैं कोई बात नहीं, लेकिन एक पेज पे एक टेबल होनी चाहिए, सेकंड पेज पे अगर कितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें एक टेबल सेकंड पेज पे, हर पेज पर मुझे एक टेबल चाहिए, ओके, इसके अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 8 मीटर, मीटर का है ये रहा, मीटर को किस में चेंज करना है, डेसीमीटर में, डेसीमीटर का है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, ये है डेसीमीटर, गाड़ी कहां आ रही है, ऊपर से नीचे, ये गाड़ी मीटर से डेसीमीटर में चेंज किया तो गाड़ी ऊपर से नीचे आ रही है, कितने स्टेप नीचे उतरी, 1 स्टेप, मीटर से जब डेसीमीटर पे आई तो 1 स्टेप ही नीचे उतरी ना, अब नीचे उतर रही है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 10, ओके, यहां क्या लिख देंगे हम, 8 मीटर मल्टीप्लाई 10, 8 10 80 डेसीमीटर, ओके, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया 314 मीटर, मीटर को किस में चेंज करना है, डेसीमीटर में, 1 स्टेप गाड़ी नीचे की तरफ आ रही है तो मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा, 1 स्टेप नीचे आई है वो तो 10 यानी 10 से, तो हम क्या लिख देंगे, 314 मीटर मल्टीप्लाई बाय 10, 314 में डिजिट मान लो हमें दी हुई है 18 मीटर, क्या दिया हुआ है, 18 मीटर, अब इसमें मीटर का है, इसे रब कर दे हम, ये हमारा मीटर है, किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का है सीएम, सेंटीमीटर, गाड़ी सेंटीमीटर पे आ गई, ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर जा रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, कितने स्टेप नीचे आई, 1 2 2 स्टेप है तो यानी
टू जीरो से मल्टीप्लाई, क्लियर। 18 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, 18 वन जा 18 या फिर 18 हंड्रेड जा 18 हंड्रेड, 18 वन जा 18, 18 जीरो जा जीरो, 18 जीरो जा जीरो, किस में चेंज किया हमने, सेंटीमीटर। फिर से एक क्वेश्चन देख लो, 135 मीटर किस में चेंज करना है हमें, सेंटीमीटर में। मीटर से सेंटीमीटर गाड़ी कितने स्टेप नीचे आई है, 1 2 2 स्टेप आई है ना, तो 20 से क्या कर देंगे, गाड़ी नीचे आ रही है, ऊपर तो नहीं जा रही ना, नीचे आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 135 मीटर मल्टीप्लाई बाय 100, 135 वन जा 135, 135 जीरो जा जीरो, 135 जीरो जा जीरो सेंटीमीटर, क्लियर बेटा। अब है हमारा कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर, किसमें चेंज करना है, मिलीमीटर में, किसमें चेंज करना है, मिलीमीटर में ना बेटा। और मान लो आपको दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। अब हम वहां सेंटीमीटर ढूंढते हैं पहले कि हमारा सेंटीमीटर कहाँ है, ये हमारा सेंटीमीटर है, अब किसमें चेंज करना है सेंटीमीटर को, मिलीमीटर में, मिलीमीटर ढूंढो, ये मिलीमीटर है, ये गाड़ी मिलीमीटर पे आई, गाड़ी ऊपर गई है नीचे, नीचे आ रही है ना, कितने स्टेप, वन स्टेप, वन स्टेप ही नीचे आई है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 10, ओके, 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10, 19 टेन जा 190 मिलीमीटर में चेंज किया ना बेटा हमने, मिलीमीटर। इसका मतलब ये होता है बेटा 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो 19 सेंटीमीटर में कितना होगा, हमने उसे मल्टीप्लाई कर दिया, गॉट इट बेटा। फिर से एक क्वेश्चन और देख लो, 92 सेंटीमीटर कितने हैं, 10, तो पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और फिर 92 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई बाय 10, 920 मिलीमीटर, अब ऐसे भी कर सकते हैं, ओके बेटा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा इस टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, और ये टेबल हर पेज पर होनी चाहिए, ओके बेटा। और पहले दूसरी बात बेटा, आप लोग जो भी स्टूडेंट गूगल मीट अटेंड नहीं करते, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करते बेटा, वो अपना बहुत लॉस कर रहे हैं, बेटर होगा आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए, आपको टाइमिंग दोबारा चेंज हो गई है, वो टाइमिंग आपको दे दी जाएगी कि कब आपकी क्लासेस है बेटा, इससे बहुत लॉस हो रहा है आपको, डबल डबल बार क्लियर हो जाएगा ये चीजें, एक बार मैंने ऑनलाइन में जो आपकी क्लियर कर दी, सॉरी वीडियोस में, दूसरी बार हम ऑनलाइन में क्लियर कर देंगे, ठीक है बेटा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी ऑनलाइन क्लास जरूर लें, थैंक यू सो मच।